और गाइस अभी 3:30 बज रहा है और इतना कड़ी धूप है, देख सकते हैं। और सबसे ना गाइस मेरा ऑडियो क्वालिटी नहीं हो पा रहा है। तो गाइस कल वाला ब्लॉग वीडियो में कल गया था मोबाइल ख़रीदने के लिए, एक फ़ोन, न्यू फ़ोन, तो वो वाला ब्लॉग हम अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। और आप लोग जाके देखिए और उस ब्लॉग को शेयर कीजिए और इंटरेस्ट कीजिए जो हम लिए रेडमी 13 Pro 5G, और उसका प्राइस है लगभग 26,000 बोल रहा था, बट उसको डिस्काउंट करके हम लोग को 23,500 में मिल गया, ये कोलकाता में अवेलेबल। तो अगर आप लोग अगर अदर स्टेट से लेते हैं तो आप लोगों को क्या प्राइस पड़ेगा, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे को कलकत्ता में ये प्राइस में मिल गया ये वाला फ़ोन। और कल वहीं पे गया था इसलिए मोटो ब्लॉग भी नहीं कर पाए हैं। तो गाइस फाइनली आप लोग जाके वो ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, जाके वो वाला ब्लॉग। और आज मैं जा रहा हूँ मोटो ब्लॉग करने के लिए। तो गाइस हम भी ना गोप्रो कैमरा परचेस करने के लिए कल सोचे थे, बस इतना अमाउंट बोला कि मैं नहीं कर पाया, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए देखिए यहाँ पे ये वाला सीन, देखिए सिग्नल लगा हुआ है, फाइनली नहीं हो सकता है। चलो बना बना के जा रहे हैं। हाँ ब्लॉग बना रहे हैं। हाँ होता है, क्या बताएं बोल रहे क्या कर रहे। चलो बाइक से ही मोटो ब्लॉग होता है गाइस। तो गाइस ऐसा नहीं है मैं इसमें भी कर सकता हूँ, तो वो लोग को पैसा चाहिए था बट सामने आता तो रहता मैं दे ही देता, ठीक है। तो गाइस फाइनली मैं निकल गया आगे और नहीं दे पाए, तो चलिए मैं थोड़ा इधर का लुक आप लोग को दिखा देते हैं। वाह यहाँ पे तो ए सी चल रहा है, बहुत ठंडा हवा लग रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये कालीघाट है। तो गाइस फाइनली देख सकते हैं हम निकल चुके हैं इधर राइड करने के लिए, और बहुत दिन के बाद निकले गाइस हम राइडिंग पे, क्योंकि इतना काम में बिजी हो चुका था मैंने, तो आज ये तो कल वो। तो गाइस 3 दिन से जहाँ पे मैं गाँव में रहता था उतना टाइम ही नहीं मिल रहा था, और तीसरा चीज़ घर में वाईफाई लगवाया, 3 दिन उसमें परेशान हुआ, 2 दिन DTS लगवाने के लिए चक्कर में रह गया लेकिन DTS लग नहीं पाया, अभी तक TV चल नहीं पाया वो। और सबसे पहले मैं ब्लॉग अपलोड करता हूँ 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का, तो इसमें कम से कम इंटरनेट मेरा लग जाता है 4GB 5GB का, इसलिए मैं वाईफाई लगवाया घर में मैं बैठवाए, जो मेरा वीडियो अपलोड होने में बहुत अच्छा सुविधा मिला मुझे। तो गाइस फाइनली वही कम कर दें। तो गाइस अभी उसी में परेशान था 4-5 दिन से, इसीलिए मेरा मोटो ब्लॉग नहीं आ रहा था प्रॉपरली। तो गाइस आप लोग को मैं बता दिया प्रॉब्लम क्या था, तो आज हम निकले हैं सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करके मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए। तो गाइस फाइनली आप लोग प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए हमको। और गाइस ये जो मोटो ब्लॉग है, ये साइकिल मोटो ब्लॉगिंग, ये मेरा लास्ट है आज, और कल मेरा ट्रैवलिंग रहेगा अलग, लंबा टूर का ट्रैवलिंग रहेगा, और परसों भी लंबा टूर का ट्रैवलिंग रहेगा, साइकिल मोटो ब्लॉग नहीं होगा, लंबा टूर रहेगा। और एक चीज़ ये, दूसरा चीज़ आपको बता दे रहा हूँ मैं, मोटो ब्लॉगिंग नहीं होगा साइकिल से, मोटो ब्लॉगिंग अब कल से नहीं होगा, बाद में होगा पता नहीं, लेकिन अब मेरा बाइक पे करने का कोशिश करूँगा 3-4 दिन। और ये वाला सामने में बस दिखे जो आ रहे हैं, क्या मतलब है, मस्ती देखने में लग रहा था। तो गाइस अभी हम कितना किलोमीटर कवर करेंगे मुझे पता नहीं, तो चलिए अभी धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखा है इधर, बहुत ज़्यादा, जिसके कारण हम लोग नहीं निकल पाते हैं बाहर सबसे ज़्यादा।
ठीक है। और यहाँ पे है सिग्नल, थोड़ा रुकते हैं, नहीं रुकेंगे तो चलिए सिग्नल टूट गया तो निकलते हैं। तो गाइस ना मतलब ज़्यादा गर्मी है कि एक तरफ से बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आप निकलेंगे बाहर ना तुरंत आपको मतलब वो हो जाएगा तबीयत ख़राब, इसीलिए बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, तो हम लोग 3 बजे कोशिश करते हैं निकलने का, 4 बजे अगर ज़्यादा धूप रहा तो 4-4:30 बजे निकलेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला हैंडल बार थोड़ा, ठीक है हम चलते हैं यही एंगल पे, ठीक है। ये वाला एंगल से हम चल रहे हैं और आगे जाके चेक करेंगे ये वाला एंगल कैसा आ रहा है। ये वाला एंगल ठीक आ रहा है, इससे भी अभी यही वाला एंगल रहने देते हैं। और गाइस अभी 3:30 बज रहा है और इतना कड़ी धूप है देख सकते हैं। और सबसे ना गाइस मेरा ऑडियो क्वालिटी नहीं हो पा रहा है, तो गाइस कल वाला ब्लॉग वीडियो में कल गया था मोबाइल ख़रीदने के लिए एक फ़ोन, न्यू फ़ोन, तो वो वाला ब्लॉग हम अपलोड कर दिए हैं तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, और आप लोग जाके देखिए और उस ब्लॉग को शेयर कीजिए और इंटरेस्ट कीजिए जो हम लिए रेडमी 13 Pro 5G और उसका प्राइस है लगभग 26,000 बोल रहा था, बट उसको डिस्काउंट करके हम लोग को 23,500 में मिल गया ये कोलकाता में अवेलेबल। तो अगर आप लोग अगर अदर स्टेट से लेते हैं तो आप लोगों को क्या प्राइस पड़ेगा आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे को कलकत्ता में ये प्राइस में मिल गया ये वाला फ़ोन, और कल वहीं पे गया था इसलिए फोटो ब्लॉग भी नहीं कर पाए हैं। तो गाइस फाइनली आप लोग जाके वो ब्लॉग ज़रूर देखिएगा जाके वो वाला ब्लॉग, और आज मैं जा रहा हूँ मोटो ब्लॉग करने के लिए। तो गाइस हम भी ना GoPro कैमरा परचेस करने के लिए कल सोचे थे, बस इतना अमाउंट बोला कि मैं नहीं कर पाया, ठीक है बहुत ज़्यादा। तो चलिए देखिए यहाँ पे ये वाला सीन, देखिए सिग्नल लगा हुआ है, फाइनली नहीं हो सकता है। चलो बना बना के जा रहे हैं। हाँ क्या बना रहे हैं? ब्लॉग बना रहे हैं। हाँ होता है, हाँ क्या बताएं बोल रहे क्या कर रहे। चलो साइकिल में नहीं होता है वो लोग, ऐसा मोटरसाइकिल में बाइक पे ही मोटो ब्लॉग होता है गाइस। तो गाइस ऐसा नहीं है मैं इसमें भी कर सकता हूँ, तो वो लोग को पैसा चाहिए था बट सामने आता तो रहता मैं दे ही देता, ठीक है। तो गाइस फाइनली मैं निकल गया आगे और नहीं दे पाए, तो चलिए मैं थोड़ा इधर का लुक आप लोग को दिखा देते हैं। वाह यहाँ पे तो एसी चल रहा है, बहुत ठंडा हवा लग रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये कालीघाट है। मैं उल्टा रूट जा रहा हूँ गाइस लग रहा है, तो चलिए गाइस अभी हम निकल रहे हैं इस रूट में कालीघाट मेट्रो स्टेशन, इस सब हाजरा किधर पड़ेगा हाजरा। हाँ तो गाइस ये बोला सीधा हाजरा से निकलेंगे हम, क्योंकि बहुत लॉन्ग हम जा रहे हैं ना आज, बहुत ज़्यादा लॉन्ग जा रहे हैं।
ये देख रहा है, बस का यही हाल होता है, हर जगह पे हर मोड़ पे रुक जाता है। ये रे भाई अभी ठुक जाता भाई, अभी ठुक जाता शिफ्ट डिजायर में, ओला जो खड़ा था ना अभी ठुक जाता उसमें, बच गया एकदम, बच गया बाल बाल बच गया भाई। अभी मारता उसका लुकिंग ग्लास से पीछे वाला पोजीशन पूरा तोड़ देता हम। बीच रोड पे लगा के रखा है वो लोग, ऐसा कोई लगाता है? कोई नहीं लगाता, और ये लोग लगा दिया बीच में गाड़ी लगा के, वो लोग आराम से फोन काट रहा है। जब पड़ेगा ना बेटा का तब पता चलेगा। अगर एसी का हवा ज़्यादा खाना है तो गर्मी हो रहा है, साइड में गाड़ी लगा के भाई एसी का हवा खाओ ना। ये देख रहे हैं ये लोग का हाल, बहुत ज़्यादा ये सब ये चीज़ करता है। तो गाइस ना कल मैं गया तो वहाँ पे इतना अमाउंट बोल रहा था, मेरे पास उतना अमाउंट था नहीं तो मैं घूम के चले आए। तो देखते हैं मेरा नसीब में कब लिखा है GoPro और कब मैं मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप को अच्छा कर सकते हैं। तो गाइस भगवान मेरा ऊपर एक नज़र डालेगा तो आपका भाई लेगा, ऐसा नहीं है मेरा अच्छा दिन आएगा, ऐसा नहीं है सब दिन मेरा बुरा ही टाइम रहेगा, ऐसा ही रहेगा। तो गाइस चलो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए तो ज़रूर मेरा एक दिन अच्छा टाइम आएगा, पर मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग का काम है सपोर्ट करना, मेरा काम है मेहनत करना, ठीक है गाइस? मेहनत करेगा तो ज़िंदगी पलट जाता है, ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप बैठे रहिएगा, आपका पास कुछ नहीं होने वाला, कुछ आने वाला नहीं है चल के, ठीक है? आपको चल के जाना पड़ेगा और वो आपका पास सोचेगा आएगा नहीं आएगा। आप ऐसा कुछ करो जो आपका पास पैसा खुद चल के आएगा, ठीक है? ऐसा कुछ करो। देख रहे हैं यहाँ पे सिग्नल है गाइस, बहुत जाम मिलता है रास्ते में, इसीलिए निकलने का मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। देख रहे हैं कितना ज़्यादा जाम मिल रहा है। हम ले लेते हैं इधर से बंदर, देख रहे हैं तो भाई साहब हम फंस गए रे भाई। तो गाइस हम भी निकलते हैं सीधा, ठीक है? यहाँ पे देख रहे हैं सिग्नल टूट गया, भारी भरकम भीड़ लग गया, किसी जा नहीं सकता है, बहुत ज़्यादा गाड़ी चल रहा है। ये देखिए टैक्सी भाई का, अरे भाई इसका नहीं है कहा, पागल चोत का जैसे ड्राइविंग कर रहे हो। जाइए भैया जाइए, इतना भोसड़ी के सड़ा के चलाता ना मादर चोत का, साला अभी पैर में लगता, चला दूर में नहीं चला सकता रे, दूर में रे भोंसड़ी के लगन में सटा के पार करता है, थोड़ा लगने दो ना तब बताते हैं तुमको। ये देखिए भाई सबका, ये देखिए एकदम घुच घुच मारते, इतना मतलब झांट गरम हो जाता है ना ये लोग को, पूछो ही मत। गाड़ी चलाता है जैसे कि अपना सोचता है कि हम चारों गिलास उठा के चलता है एकदम सेफ्टी में, चला जब ठोक देगा ना तब पता चलेगा, पागल चोट चला। देख रहे हैं गाइस हम जग्गू बाजार आ चुके हैं, जग्गू बाजार में कुछ काम था तो चलिए हम जग्गू बाजार में, बहुत दूर और है।
लेके जाना रे। चला इतना रोड फंका है फिर भी चला, ये लोग हॉर्न मारता है, देख रहा है गाइस रोड क्या पूरा जाम है, फंका है फिर भी फंका जा रोड में ये लोग सिख। अरे यार क्या बताऊँ, ये लोग हॉर्न मारते हैं। ये देखो उधर देखो रोड फंका है, इधर मैं सिग्नल में लगा के। गाइस आज हम ना बहुत दूर आ चुके हैं, अब हम मेरे को टर्न लेना होगा। जग्गू बाजार में जो काम था वो काम यहीं से हम घूम लेंगे। चलिए गाइस यहाँ पे हम करते हैं वीडियो को एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। गाइस आप लोग इस वीडियो को प्यार आशीर्वाद दीजिए और बहुत बहुत आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और गाइस बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है, हम थोड़ा धूप इधर हम रुकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है। गाइस कहीं छाया दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा है। ओ भाई साहब, हाँ यहाँ पे कुछ दिखा छाया, तो रुकते हैं। गाइस बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है।